हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सत्यम स्टार इंटरनेशनल प्री स्कूल। तो बच्चों, आज हम सीनियर के जी के कन्वर्जेशन बुक के फोर चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है सोम आर एनिमल। हम तो एनिमल के बारे में पढ़े और कुछ एनिमल के बारे में हम आज जानेंगे। तो आप देख रहे हो इधर कितने सारे एनिमल्स हैं, तो आज हम इनके बारे में कुछ जानेंगे। फर्स्ट स्नेक, सांप, सेकंड माउस, चूहा, थर्ड फ्रॉग, मेंढक, फाइव टोर्टेस कछुआ, फाइव क्रोकोडाइल मगरमच्छ, लिजार्ड छिपकली, पक्यूपाइन शाही, स्नेल घोंगा, स्क्वेरल गिलहरी। तो इनके नाम जान लिए, तो चलो इनके बारे में कुछ क्वेश्चन जानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। इनमें से कौन सा एनिमल जब पानी में रहता है, पानी के साथ साथ जमीन में भी रहता है, तो कौन सा एनिमल है? फर्स्ट फ्रॉग, सेकेंड क्रोकोडाइल। ये दोनों पानी के अंदर और जमीन के ऊपर भी रहते हैं। फ्रॉग एंड क्रोकोडाइल लिव्स इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। सेकेंड क्वेश्चन, विच एनिमल लिव इन होल। इनमें से कौन सा एनिमल होल यानी गड्ढे के अंदर रहता है, तो कौन सा है? माइस एंड स्नेक लिव इन होल्स। ये जो माइस आप देख रहे हो, माउस और ये स्नेक गड्ढे के अंदर रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन, विच क्रिएटर डू वी फाइंड ऑन द वेल्स ऑफ आवर हाउस। कौन सा एनिमल हमारे घर के दीवार के ऊपर रहता है, तो कौन सा है? वी फाइंड लिजार्ड ऑन द वॉल्स ऑफ आवर हाउस। ये जो लिजार्ड देख रहे हो छिपकली, ये हमारे घर के दीवार के ऊपर। विच एनिमल्स हैज शार्प क्विल्स ऑन इट्स बॉडी। इनमें से कौन सा एनिमल तेज तर्कस कहता है, तो कौन सा एनिमल है? पक्यूपाइन। ये जो पक्यूपाइन आप देख रहे हो, ये शार्प क्विल्स ऑन इट्स बॉडी। द पक्यूपाइन हैज शार्प क्विल्स ऑन इट्स बॉडी। तो आज हम सम एनिमल्स के बारे में जान लें और उनके बारे में कुछ क्वेश्चन भी जान लें। तो इस वीडियो को आप देखना और उसके बारे में पढ़ाई करना। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना।